दोस्तों जवान और डंकी के बाद शाहरुख ने एक और फिल्म साइन की है। पठान जैसी फिल्म से बॉलीवुड को हिलाने के बाद बॉलीवुड के किंग अपनी अगली तैयारी में लग गए हैं। दोस्तों फिलहाल खबरें आ रही हैं, जवान और डंकी के बाद शाहरुख की एक और फिल्म आ रही है। फिलहाल इस फिल्म का कोई नाम सामने नहीं आया है, लेकिन ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी। दोस्तों पठान के ओटीटी रिलीज के बावजूद भी सिनेमा घरों में चल रही हैं। ऐसा ही रहा तो जल्दी ही ये फिल्म नया रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। इसके साथ ही जवान की आने की आहट भी सुनाई देने लगी है। पठान तो ऐसा लगता है मानो एक हल्की सी शुरुआत थी, आने वाले टाइम में जवान कुछ बड़ा करने वाली है, जिसकी तैयारी अभी से चल रही है और रिलीज से पहले ही साउथ से लेकर बॉलीवुड तक लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों जब से जवान की क्लिप वायरल हुई है, इस फिल्म के सोशल मीडिया पर क्रेज में काफी तेजी आई है। साथ ही रिलीज से पहले ही हजारों लोग इसको बुक माय शो पर रेटिंग दे चुके हैं। दोस्तों जवान को रिलीज से पहले ही 50,000 लोग इसको लाइक कर चुके हैं, जो काफी बड़ा रिकॉर्ड है। साथ ही साउथ से लेकर बॉलीवुड तक आज इस फिल्म की चर्चा हो रही है। इस बार जवान में आपको शाहरुख खान के दो रोल देखने को मिलेंगे। एक में वो थोड़ा ओल्ड एज दिखाई देंगे, वही दूसरे रोल में वो एक जवान के रोल में हमें नजर आने वाले हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि जवान की हाइप पठान से दो गुना ज्यादा है और जवान के बाद आदिपुरुष की हाइप फ्लॉप होने में ज्यादा है। लेकिन दोस्तों सालार वाले भी अगर जवान के साथ रिलीज करेंगे तो बॉक्स ऑफिस का बुरा हाल होने वाला है। दोस्तों जवान के लिए तो सब लोग इंतजार कर रहे हैं, वही सालार भी मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म है। तो दोस्तों जवान फिल्म के रिलीज होने में लगभग 2 महीनों का टाइम बाकी है, लेकिन जब से इस फिल्म क्लिप वायरल हुई है, इस फिल्म का हाइप आसमान पर पहुँच गया है। दोस्तों जवान की कहानी किसी रिटायर जवान पर हो सकती है और वो अपने पास्ट में हुई चीजों को बदलने के लिए कोई मिशन चलाता है। दोस्तों हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए एक सवाल है कि जवान या डंकी में आप सबसे ज्यादा इंतजार किस फिल्म का कर रहे हैं।